बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, के हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो यार आज मैं आपके साथ आज़रबैजान का ख़र्चा सारा बताऊँगा, जो एक वीक का हो दुबई से इतना ही सस्ता है, क्या बताऊँ। अभी हाल ही में तो करीबन दो दिन पहले ही मेरा दोस्त वहाँ से आया है। मैं तो अभी एयरपोर्ट पे बैठा हूँ क्योंकि मैं अभी पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ये छोटी सी वीडियो भी शेयर कर दूँ, कितना स्पेंस है, कितना ख़र्चा आता है, बहुत ही कम। वो भी तकरीबन 2100 दिरहम यहाँ से आया है। वो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। फ़िलहाल दुबई के एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा था कि आज़रबैजान का बाकू सिटी में एक वीक का, एक हफ़्ते का कितना खर्चा है। वो तकरीबन आपका 2000 से 2100 दिरहम के करीब आएगा। उसमें आपकी फ़्लाइट होगी तकरीबन 600-650 के दिरहम में फ़्लाइट होगी रिटर्न। उसको ज़ू एयरलाइन, यहाँ से भी दुबई से भी जाती है, अबू धाबी से भी जाती है ज़ू एयरलाइन, बहुत ही चीप और बहुत ही सस्ता टिकट है। वो तकरीबन आपको 600-650 के करीब मिलता है। उसके बाद अगर आप होटल में रहेंगे तो होटल थोड़ा सा महंगा है, आप हॉस्टल में रहें एक वीक का तकरीबन 600 दिरहम आएगा। ये कुल मिला कर तकरीबन 1200-1250 हो जाएगा। उसके बाद आपका खाने का एक्सपेंस है और थोड़ा सा घूमने फिरने का, वो आप 1000 मस्ट कर लें। तो ये आपका रोंडा बोर्ड तकरीबन आपका ये 2100-2200 में ट्रिप हो जाता है आज़रबैजान बाकू सिटी का। क्योंकि खाना आपने अपनी मर्ज़ी का खाना है, अच्छा खाएंगे तो ज़्यादा बिल आएगा, अगर काम हल्का थोड़ा सा खाएंगे नॉर्मल आएगा। ये आप लोगों पे खुद डिपेंड करता है। अगर आप होटल किसी 5-7 स्टार होटल में रहेंगे तो वो आपका ज़्यादा खर्चा, अगर आप किसी कम चीफ्स होटल में रहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, अगर हॉस्टल में रहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे होता है। हाल ही में तकरीबन दो दिन पहले या मेरे दोस्त की, तो उसने मुझे सारी डिटेल बताई थी। तो मैंने क्या क्यों ना मैं अपने व्यूअर के साथ शेयर करूं कि दुबई से बहुत ही कम ही पैसों में आप आज़रबैजान जा सकते हैं। अभी पाकिस्तान से आज़रबैजान का 4-5 दिन का पैकेज 1,30,000-1,40,000 चल रहा है। तो उसके अगर आप दुबई में है, दुबई में आपको फिर चाहिए क्या है, एमरस आईडी आपके पास लाजम होनी चाहिए, ऑन अराइवल वीज़ा है, और वीज़े की जो फ़ीस है आपकी तकरीबन $30 है। ये आपने $30 वहाँ आज़रबैजान बाकू एयरपोर्ट पे जाकर पे करनी है, ऑन अराइवल वीज़ा है। तो यही मेरा मकसद था कि आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ। अगर बात अच्छी लगी है और आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो यार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।